भगवान शबरी अम्बा को नव प्रकार की भक्ति सुनाए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान मान रहित होकर सदगुरु के सिर चरण की सेवा भक्ति, चौथी भक्ति मेरे गुण समूहों का निष्कपट भाव रखते गान, पांचवी भक्ति मेरे किसी भी मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप, छठवीं इंद्रिय निग्रहता, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इनसे इंद्रियां उपरति प्राप्त करें धीरे धीरे। कैसे होगी महाराज? केवल भजन से, केवल भगवत भजन ही है जो इन इंद्रियों की गति को ऊर्ध्व करेगा। जो करते रहोगे भजन, संसार में जितना राग बढ़ेगा उतना उलझन बढ़ेगी। यत्न करिए, कोशिश करें हम। जब तक भगवान की ओर नहीं बढ़ा जाएगा तब तक संसार छूटने वाला नहीं, इसी में रहकर बढ़ना है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाए, बर बसराज सुतैं तब दीना, नार समेत गवन बन दीना, व्यवस्थाओं को तो त्यागना ही पड़ेगा। कब तक नहीं त्यागेंगे? कई बार हम डर के मारे व्यवस्थाएं नहीं छोड़ पाते। डर क्या है? का है, छोड़ देंगे कहीं बिगड़ न जाए, छोड़ देंगे तो बिगड़ जाएगा। बिगड़ने से न डरिए, जो होना हो वो हो जाए। आप सब विवेकी लोग हैं, नरबली नहीं होता है, नरबली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, कोल भील मारन लगे वही अर्जुन वही बाण। भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम यात्रा बनाए, उनके बाद महाराज वसुदेव पिताजी गए, फिर माताएं, फिर देवियां, पार्थ अर्जुन जी महाराज लेने गए। महाराज वसुदेव जी ने कथा ही सुनाई उनको, जो कृष्ण भगवान ने सुनाया था कि जब तक आप लोग रहेंगे, अर्जुन के आने तक ये द्वारिका यहीं रहेगी, जैसे ही आप यहां से प्रस्थान करेंगे द्वारिका समुद्र के अंक में सिमट जाएगी। ये लोग चले, द्वारिका जी को समुद्र जी ने अपने गोद में समाहित कर लिया, स्वर्ण नगरी थी। अरे क्या बिगड़ जाएगा, सोने की नगरी द्वारिका जब भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने अपने अंक में ले लिया, तो हमारा तुम्हारा बिगड़ना क्या है? बिगड़े उसको बिगड़ने तो अपना बनाओ। भज मन राम चरण सुखदाई, जेहि चरणन से निकसी सुर सरि शंकर जटा, भज मन राम चरण सुखदाई। डरो नहीं बिगड़ेगा। अब आगे चले, बीच में कौल भील रूपी जो लुटेरे थे उन्होंने लूट लिया, अर्जुन ने गांडी उतारा,
मंत्रों का उच्चारण किया लेकिन कोई आयुध मंत्र सानिध्य में नहीं आए। अर्जुन महाराज को विस्मरण हो गया। लूट करके कौल भी चले न गए, गांडीव कोई प्रभाव नहीं छोड़। क्यों? गांडीव में प्रभाव तभी तक था जब तक परमात्मा श्री कृष्ण धराधाम पर उपस्थित थे। ये जानना है। ये सीताराम जो बोल रहा है ना, वो अंदर बैठा बोल रहा है, ऊपर की चमड़ी नहीं बोल रही, अंदर बैठे बोल रहा है। बोले पिजरे का तोता राम, बोलते रहा करो राम।